नमस्कार, स्वागत है आपका समाचार प्लस में। आपसे मुखातिब हूं मैं असित नाथ। भाषा क्या है? हमारी आपकी अभिव्यक्ति का माध्यम है, लिहाजा इसका एक स्तर तय किया गया है सामाजिक मानकों के मुताबिक। हम कैसी भाषा का इस्तेमाल करेंगे, हम बड़ों के लिए कैसा बोलेंगे, हम छोटों के लिए कैसा बोलेंगे, रिश्तेदारों के साथ किस तरह का सलूक करेंगे, पड़ोसियों से बात करेंगे तो कैसे करेंगे, हम जब इसकी मर्यादा भूल जाते हैं तो हम भले ही सामने वाले को अपमानित कर रहे होते हैं, लेकिन एक दूसरा सच ये है कि हम भी अपमानित लोगों की श्रेणी में आ जाते हैं। लिहाजा अपमान का स्तर बढ़ता जाता है और ऐसा लगता है कि एक भाषाई गरिमा खो चुके समाज की हम रचना कर रहे होते हैं। भाषा की गरिमा, भाषा का स्तर चर्चा का विषय होना चाहिए। दुर्भाग्य से इस देश में इस पर चर्चा बहुत कम होती है। बड़े पदों पर बैठे लोगों की भाषा कैसी होनी चाहिए, सरकार चला रहे लोगों की भाषा कैसी होनी चाहिए, सार्वजनिक जीवन जी रहे लोगों की भाषा कैसी होनी चाहिए, हमें अपने विरोधियों के लिए किस किस्म की भाषा का इस्तेमाल करना चाहिए, महिलाओं के लिए किस तरह से बात करनी चाहिए, कुछ तो हम मानक तय करेंगे या बस गिरते जाएं, कितना गिरेंगे। इसलिए जरूरी है कि इस पर चर्चा हो और आज हम चर्चा इस बात पर ही करने बैठे हैं क्योंकि प्रियंका गांधी की राजनीति में आने के बाद भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की भाषाई गरिमा जिस तरह से गिरी है वो पूरे भारतीय संस्कृति को अपमानित करने वाली है। राजतिलक 2019 और भाषा का स्तर देखिए, जिक्र क्या हो रहा है किसी महिला के लिए। विरोधी महिला को राजनीति के मैदान में देखकर हलाला सीन को फिल्माने की चर्चा हो रही है तो कोई कह रहा है ग्लैमर, कोई कह रहा है हीरोइन बना दूंगा। किस स्तर पर पहुंच गई है राजनीति की भाषा, और हैरानी ये कि इस पर भी लोग तालियां बजा रहे हैं। जो लोग तालियां बजा रहे हैं आइए उनसे पूछते हैं कि क्या आपके घर की किसी महिला के लिए कहा जाए कि हम तो इनको लेकर हलाला का सीन फिल्माना चाहेंगे तो आपको कैसा लगेगा, तो फिर किसी और के लिए आप ऐसा क्यों सोचते हैं, ऐसा क्यों बोलते हैं। पहले रिपोर्ट फिर चर्चा। वाह राजनीति वाह, जूते मारने से लेकर मौज मस्ती तक पहुंची गई देश की राजनीति। गिरते स्तर का, बिखरते चरित्र का अपना ही रिकॉर्ड तोड़ गई यूपी की राजनीति। नेहरू गांधी परिवार की बेटी ने राजनीति में कदम रखे तो बेटी बचाओ वाले नारे लगाने वाले हलाला के सीन की कल्पना करने लगे। संस्कार और संस्कृति की दुहाई देने वाले अपना आवरण उतारने लगे। प्रियंका गांधी जी सुंदर है, खूबसूरत है, जब से वो इस मार्केट में आई है, अगर पहले आ जाती तो मेरी एक पिक्चर जो अभी 29 तारीख को रिलीज होने जा रही है राम जन्मभूमि, उसमें एक मुस्लिम लेडी को एक कलाकार की हैसियत से हलाला वाला जो सीन था उसके लिए तलाश रहे थे, जिसमें हमने एक गुजरात की नाजरीन पटनी को हीरोइन के रूप में लिया है। तो मैं प्रियंका गांधी जी को इस सीन के लिए और इस रोल के लिए अपनी पिक्चर की हीरोइन के लिए जरूर प्रपोजल देता। उनको फिल्मों में काम करना चाहिए, वो खूबसूरत है। सोच सामने आ ही जाती है, चरित्र के पर्दे उठा ही जाती है। नारे उछालने और नारों की आड़ में सच को छुपाने की कला बता ही जाती है। और सच तो ये है कि यस्य पूज्यन्ते नारी की अवधारणा पर प्रवचन देने वाले नारी को ग्लैमर और मौज मस्ती के अलावा किसी और रूप में देख ही नहीं पा रहे हैं। कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ऐसे लोग आते हैं, चले जाते हैं, पिकनिक मनाते हैं, मौज मस्ती के लिए राजनीति में उतरते हैं, उतर करके अपने ग्लैमर के जादू से, आकर्षण से कुछ प्राप्त करने की कुचेष्टा करते हैं, लेकिन जनता बहुत दिनों से देख रही है, समझ रही है। आज मीडिया का जमाना है, सोशल मीडिया का जमाना है, उनका कोई भी प्रभाव इस क्षेत्र पर अथवा पूर्वांचल में कहीं भी उत्तर प्रदेश में पड़ने वाला नहीं है।
और सच ये भी है कि राजनीति में जिसकी दखल खारिज करने के लिए मौज मस्ती और हलाला तक ये नेता पहुंच रहे हैं, दरअसल वो राजनीति में उसी की दखल से डरे नजर आ रहे हैं। वरना एक के बाद एक को सिर्फ एक महिला के लिए अपने संस्कारों का प्रदर्शन नहीं करना पड़ता, ना ही धर्म की आड़ लेनी पड़ती, ना ही अपनी ऐतिहासिक अज्ञानता को उड़ेलना पड़ता। क्योंकि मुझे लगता है कि प्रियंका वाड्रा जी फिरोज जहांगीर की पोती अयोध्या क्यों जा रही हैं? अयोध्या तो श्री राम की जन्मभूमि है और श्री राम के अस्तित्व पर सवाल उठाने वाले कांग्रेस के लोग या कांग्रेस के नेता वहां क्या तलाश करने जा रहे हैं? प्रयाग निकल गया, प्रयाग का कुंभ निकल गया, वहां कभी गए नहीं। ये साइबेरियन पक्षी हैं, आते जाते रहते हैं, मौसम देखकर निकलते हैं, मौसम के साथ उड़ जाते हैं। तो जिससे इनको कोई असर पड़ता नहीं दिख रहा, भला उस महिला के लिए इन्हें इतना क्यों बोलना पड़ रहा है? उस महिला से इनको इतनी नफरत क्यों है? क्या वजह है कि प्रियंका गांधी की आहट से बीजेपी में इतनी घबराहट दिख रही है? ब्यूरो रिपोर्ट, समाचार प्लस। बस मसला ये है कि क्या राजनीति का ये स्तर होगा और इस पर हम इतराएंगे कि हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश के निवासी हैं जहां विरोधी दल की एक महिला के लिए इस तरह के शब्द इस्तेमाल किए जाते हैं? मुद्दा आधारित विरोध क्यों नहीं होता? क्योंकि मुद्दे हैं नहीं। राजनीति इतनी गंदी हो चुकी है कि जुबान से सिर्फ गंदगी निकल रही है। विरोध मुद्दा आधारित हो सकता है ना किसी नेता का, लेकिन मुद्दे हो तब तो। मुद्दों को तो मार डाला गया। हमारे आपके मुद्दों पर चर्चा करता कौन? कौन आज आपके नल कल की बात कर रहा है? कौन आपकी सिंचाई पानी की बात कर रहा है? कौन आपके स्वास्थ्य और स्कूल की बात कर रहा है? और आप भी तो नहीं कर रहे, आपको भी इसी में मजा आ रहा है, इसलिए अब राजनीति आपकी बात नहीं कर रही, आपकी बात नहीं कर रही। उनको कोस लेती, उनको ये उनको कोस लेते हैं, वो उनको कोस लेते हैं। और अब यह स्थिति है कि आपके हमारे घर की बहू बेटियां राजनीति में अगर आ गई तो किस तरह के शब्दों का इस्तेमाल ये नेता करेंगे, आप सुन लीजिए जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल हो रहा है। और यही वजह है कि हम और आप जैसे सामान्य वर्ग के लोग अपने घर की महिलाओं को राजनीति में जाने नहीं देते। हमने आजादी दे दी है राजनीति के पूरे कुनबे को कि वो राजनीति को गंदा करता रहे, कचरा फैलाता रहे, वो बदजुबान होता जाए। हमने आपने आजादी दी तब वो होता गया, और आज हम इतनी गंदगी उसमें देख रहे हैं कि हमको आपको डर लगता है अपनी बहू बेटियों को राजनीति में भेजने। राजनीति अच्छी चीज हो सकती थी ना, साधारण परिवार का आदमी अपने घर की बहू बेटियों को भेज सकता था ना। हमने आपने क्यों नहीं चाहा कि राजनीति अच्छी हो? वो गंदगी फैलाते गए, हम गंदगी का समर्थन करते गए। आज हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रवक्ता ओपी सिंह जी हैं, समाजवादी पार्टी की तरफ से प्रवक्ता जितेंद्र वर्मा जी हैं, कांग्रेस से प्रवक्ता अमित गुरु जी हैं, टीवी सिंह जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार। आप सभी लोगों से एक बार गुजारिश है सर, देरी होने से आप अगर दो चार मिनट भी देरी करते हैं तो टीवी का कार्यक्रम एक ऐसा कार्यक्रम है जो बिल्कुल समय पर शुरू हो जाता है, और दो चार मिनट की आपकी देरी से दर्शकों को लगता है कि अब ये नहीं आने वाले हैं और फिर दर्शक कुछ और तलाशने लगते हैं, इससे आपकी दर्शनीयता कम होती है। हम तो मुद्दे कल भी लेके बैठ जाएंगे, परसों भी लेके बैठ जाएंगे, आपकी दर्शनीयता कम होती है। वक्त का सारे लोग ख्याल रखें, समय पर आप सारे लोग आए तो कार्यक्रम की दर्शनीयता ज्यादा होगी। आप सभी मेहमानों से गुजारिश है इसके लिए। ओपी सिंह जी, आप ही से शुरू करेंगे जी। आप क्या भाषा इस्तेमाल कर रहे हैं आपकी पार्टी के नेता लोग? हम तो प्रियंका गांधी को हलाला की सीन के लिए परफेक्ट मानते हैं, हम तो चाहेंगे कि वो फिल्म में आए, सुंदर हैं। मतलब राजनीति का विरोध इतना स्तरहीन हो जाएगा बेटी बचाओ संस्कार संस्कृति वाली पार्टी की तरफ से? नहीं, भारतीय जनता पार्टी हमेशा अपने संस्कृति और सभ्यता का ध्यान रखती है। संस्कृति दिख रही है सर, अगर फिर दिखा देंगे सारे बयान। किसी अगर आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता ने उनके लिए किसी उस तरह का शब्द का प्रयोग किया है तो नहीं करना चाहिए। इसमें किसी प्रकार की राजनीति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि एक महिला या एक किसी बालिका के बारे में
अगर कोई कहता है तो वो ठीक नहीं है, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो। बहुत बहुत भारतीय जनता पार्टी हमेशा इसका विरोध भी करती है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ये इसका विरोध भी करती है कि वो इस तरह की भाषा का इस्तेमाल न करे। अगर उन्होंने किया है तो वो अच्छी बात नहीं है, मैं इसको खंडित करता हूँ। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। भारतीय जनता पार्टी में बहुत ही कम ऐसे प्रवक्ता हैं जो इस तरह से साफगोई से स्वीकार कर लेते हैं, वरना ज्यादातर लोग तो इस सवाल पर ही मुझे देशद्रोही बता देते, मुझे देशद्रोही करार दे देते ज्यादातर लोग। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। साफगोई से आपने कम से कम बेटी बचाओ वाली पार्टी की गरिमा रख ली और भारतीय संस्कृति का सम्मान रख लिया। यत्र पूज्यन्ते नारी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। चलिए आपके पास आएंगे जितेंद्र वर्मा जी। बड़ी स्तरहीन बातें हम लगातार सुन रहे हैं। प्रियंका गांधी राजनीति में आई है, ठीक है, किसी घर की बेटी है, किसी घर की बहू है, इसी हिन्दुस्तान की है, वो आई है, स्वागत करिए। उनसे डर क्यों रहे हैं लोग? आप उनका स्वागत कीजिए, उनसे चुनाव लड़िए ना, लोकतांत्रिक तरीके से लड़िए, जनता के बीच जाइए। तो वो जहांगीर के खानदान की पोती है, हलाला के सीन के लिए बड़ी ही फिट है, ग्लैमरस है। एक विधायक कह रहा है कि ग्लैमर का फायदा उठाना चाहती है। क्या है भाई ये सब, क्या हो रहा है राजनीति में? जो संस्कृति और संस्कारों की बात करने वाली भारतीय जनता पार्टी में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ही भाषा के स्तर को गिराया। प्रियंका जी के लिए जिन शब्दों का इस्तेमाल या देश की किसी भी महिला के लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल बिल्कुल उचित नहीं है। इसकी कड़े शब्दों में निंदा होनी चाहिए और ऐसे लोगों पर वो किसी भी पार्टी के हो कार्रवाई भी होनी चाहिए। अगर समाजवादी पार्टी का भी कोई कार्यकर्ता किसी भी महिला के लिए देश की, वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से हो या किसी भी आम महिला हो, घरेलू महिला हो या कैसी भी महिला हो, अगर कोई गलत भाषा का उपयोग करता है, बिल्कुल हम उसकी भी निंदा करेंगे और ऐसे व्यक्ति को बिल्कुल बख्शा नहीं जाना चाहिए, वो किसी भी पार्टी में हो। लेकिन भारत के प्रधानमंत्री जी ने किसी की पत्नी को 50 करोड़ के गर्लफ्रेंड का, माननीय प्रधानमंत्री जी ने किसी के चुनाव निशान को खूनी पंजा कहा, जर्सी गाय तक बोला गया, मतलब अजीब स्थिति हो गई है इस देश में तो। बिल्कुल सपा, क्या राजनीतिक विरोध हो रहा है? नहीं सर, मैं एक चीज कह रहा हूँ, मैं विरोध नहीं कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि जो लोग संस्कार का ठेका लिए हैं उनकी भाषा आप देखिए सर। हम निंदा करते हैं किसी भी महिला के लिए अगर गलत अमित गुरु जी करता है। अमित गुरु जी, आपकी पार्टी के एक नेता का इस तरह से अपमान होता जा रहा है और आप लोग पब्लिक डोमेन में बात लेके नहीं पहुंच पा रहे हैं, लोगों को ये बताने में आप विफल हैं कि देखिए भाषाई स्तर किस तरह से गिरा है, किसी की बेटी किसी की बहू के लिए किस तरह के शब्दों का इस्तेमाल हमारे विरोधी कर रहे हैं। देखिए, निश्चित तौर पे ये जो भी बयान आए हैं बड़े ही शर्मनाक हैं और इसको ले जाने की जहां तक जरूरत की बात है, आम जनमानस में ये बात पहुंच चुकी है। आम जनमानस इस बात को जान चुका है कि नारी के सम्मान में बात करने वाली भारतीय जनता पार्टी नारी के सम्मान की कितनी हितैषी है। आज आप देखिए, एक छोटी सी घटना हुई थी इसी लखनऊ के शहर में, छोटी सी घटना स्वाति सिंह के मामले में हुई थी। छोटी सी घटना में इतना दर्द पैदा हुआ था पूरे देश में, हालांकि मैं उसकी निंदा करता हूं, वो गलत हुआ था, लेकिन बाद भी जल जाने के बाद भी इस परिपाटी को भारतीय जनता पार्टी के नेता बंद नहीं कर रहे हैं। आप महेश शर्मा के भी बयान को सुने होंगे, आप मनोज तिवारी के बयान को सुने होंगे, आप बलिया के विधायक का बयान आप सुने होंगे, आज श्रीराम चौहान का आपने बयान सुना। और आपको बता दूं, मुझे लगता है जयपुर की वो रैली थी जब राजस्थान का चुनाव हो रहा था, कांग्रेस की विधवा ये शब्द का संबोधन करते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी अपने शब्द के जो भाव की गरिमा होती है गिराने का काम किया था। अगर मुखिया ही गलती करे बार बार तो फिर इस पूरी टीम से हम कैसी उम्मीद कर सकते हैं। मैं कहना चाहूंगा, चाहे वो किसी भी दल के हों, अगर मेरे दल के से भी अगर कहीं भाषाई चूक अगर होती है तो निश्चित तौर पे जनमानस को उनको सबक सिखाना चाहिए। टीबी सिंह जी, हर दल के मुखिया पे उस कार्रवाई करनी बारी बारी से। टीबी सिंह जी, जी सर, आप भी लगातार ये बयान सुन रहे होंगे, क्या हो गया है भारतीय राजनीति को और क्या हो गया है भारतीय जनता को भी? आम आदमी भी बड़ी खामोशी से बहु बेटियों की गालियां सुन रहा है। देखिए, पार्टी कोई भी हो, किसी भी पार्टी को यह हक नहीं है किसी महिला के बारे में इस तरीके से ग्लैमरस बोलना और उसको उल्टी सीधी बातें महिलाओं के प्रति पूरे समाज में प्रचारित करना,
पार्टी कोई भी हो, एक पार्टी अगर अपने यहां ठान ले कि हम कोई भी अनुचित या उचित मतलब गालियां हम नहीं बकेंगे, ना महिला को बकेंगे ना पुरुष बकेंगे, भाई यही गाली पुरुषों को भी दी जाती है, चाहे कोई भी पार्टी हो, एक पार्टी अगर गलत करती है तो उसका जवाब दूसरी पार्टी देती है। हमारा ये मानना है कि अगर ये पार्टियां संयम बरते, थोड़ा शब्दावली को थोड़ा सा ठीक कर ले, तो गाली आप सीधे क्यों देते हैं? गाली आप दीजिए किसी और तरीके से, विकास के रूप में दीजिए उसको। इस तरह गाली दे करके जनता को गुमराह किया जा रहा है। जनता सब चालाक हो चुकी है, जनता इतनी चालाक हो चुकी है, पार्टियों की गालियां भी सुन रही है, पार्टियों को गालियां भी मन ही मन दे भी रही है। ऐसा नहीं जनता गाली दे देती है, लेकिन उचित समय पर वो अपना निर्णय जाके ले लेती है। ठीक है, ओपी सिंह जी, चलिए ठीक जी, अभी आपकी पार्टी के नेता मुंहफट हुए जा रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये रोग सिर्फ आपकी पार्टी को है, बदजुबानी का रोग तमाम पार्टियों का है। हमने टंचमाल भी सुना था देश के एक बड़े नेता की जुबान से। आसिफ जी, मैंने पहले ही कहा कि किसी भी पार्टी का कोई नेता हो या व्यक्ति हो, अगर किसी का, किसी महिला, किसी पुरुष का अपमान सार्वजनिक रूप से करता है तो वो गलत है, उसकी निंदा होनी चाहिए। लेकिन जो पार्टी के हमारे साथ ही कांग्रेस और सपा के बैठे हुए हैं, उनको लगता है कि उनकी पार्टी बड़ी दूध की धुली हुई साफ पाक और भारतीय संस्कृति की द्योतक है। वो कोई दोष केवल भारतीय जनता पार्टी में है, लेकिन समाजवादी पार्टी के मैं नेता अभी प्रवक्ता को मैं याद दिलाना चाहूंगा कि इन्हीं के पार्टी में आजम खान जी ने जब भारत माता को डायन कहा, इन्हीं के पार्टी के आजम खान ने जयप्रदा जी को एक नचनिया कहा, इन्हीं के पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव रामगोपाल जी ने पुलवामा की घटना में कहा कि देश के प्रधानमंत्री मोदी और इमरान खान ने मिलकर के यह घटना कराई है, इन लोगों ने किस भाषा, किस संस्कृति और देश की बात किया है, वही हमारे कांग्रेस के साथ ही कह रहे थे। आप बताइए कि इनकी पार्टी के लोगों ने जब हमारे देश के जवानों ने पुलवामा की घटना का बदला लिया, तो इनकी पार्टी के लोग जो है क्या बयान दिए? सिर्फ पत्रुदा कहते हैं कि इसके लिए पाकिस्तान को दोष नहीं देना चाहिए। सिद्ध, मैं मुद्दे पर ही बात कर रहा हूँ, वो बात तो मैंने स्वीकार कर लिया। आसिफ जी, नारी का सम्मान करना, मैंने उसको स्वीकार कर लिया कि नहीं होनी चाहिए। अरे अपनी बात भी तो सुनिए अमित जी, आप मैंने मैं मुद्दे को नहीं कर रहा हूँ, मैंने अरे क्यों पाकिस्तान की बात आती है तो आपको दर्द क्यों होने लगता है भाई? अब आपके पार्टी के नेताओं ने जो शर्मनाक बयान दिया है, क्या उसको भारत भूल जाएगा? जनता अच्छा, ओपी सिंह जी, आपके सिद्धू कहते हैं कि यहाँ के वो जाकर पाकिस्तान में किस ओपी सिंह जी, ओपी सिंह जी, एक मिनट अमित गुरु जी रुक जाइए, ओपी सिंह जी रुकिए, आप पार्टी का व्यक्ति हो सर, रुकिए यहाँ इस समाचार प्लस पर डिबेट का अपना एक तरीका है, पहले ही कह चुका हूं सर, रुकिए, यहाँ शोर शराबा नहीं होता है, समाचार प्लस पर डिबेट का एक तरीका है, बारी बारी से सारे लोग बोलते हैं, जो लोग पहले से आते रहे हैं उन्हें ये पता है, बारी बारी से ही बोला जाता है, हम शोर शराबा करने नहीं बैठते, मुद्दे पर बात करने बैठते हैं, हमारा मकसद ये नहीं कि खूब शोर शराबा करके। भाई भारत की महिलाओं की सम्मान की बात कर रहे हैं, आप पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, फर्क है ना, क्योंकि आपके लिए जरूरी है पाकिस्तान पाकिस्तान बोलते रहना, महिलाओं के सम्मान की बात हो रही है, बोल लीजिए ना उस पर, हम तो कह ही रहे हैं कांग्रेसी दिग्विजय सिंह ने भी टंचमाल कहा था, आपको नहीं याद है, हम बोल रहे हैं, आइए ना, महिलाओं अपने अपने बहन बेटियों की सम्मान की बात कर रहे हैं ना, जिसको रोज आप राजनेता लोग अपमानित कर रहे हैं, हम तो इसकी चर्चा करने बैठे हैं, लेकिन आपके लिए जरूरी है पाकिस्तान, क्योंकि आपका चुनाव ही पाकिस्तान पर केंद्रित हो गया है, छोड़िए चुनावी बात करने नहीं बैठे हैं, इस देश की महिलाओं के सम्मान की बात कर लीजिए, भारत की महिलाओं को अपमानित करने का अधिकार आप लोगों को इसलिए नहीं दे दिया जा सकता क्योंकि पाकिस्तान से ही देश की दुश्मनी है, इसलिए आप लोग भारत की महिलाओं को अपमानित मत कीजिए, यह गलत तरीका है, बस उसे जस्टिफाई कीजिए, पाकिस्तान की आड़ में आके भारत की महिलाओं का आपके अपमान को जस्टिफाई मत कीजिए, गलत बात है सर, ठीक है, उसका भी तो उदाहरण ले लीजिए आप, अरे सर उसका भी आसिफ जी उदाहरण ले लिए, दूसरी पार्टियों का भी उदाहरण ले लिए, मैं तो खुद कह रहा हूँ आपको याद नहीं है दिग्विजय सिंह की घटना, मैंने याद दिलाई आपको, मैं नारी सम्मान की ही बात करने जा रहा हूँ कि प्रियंका गांधी का जब ये प्रयागराज से वाराणसी की यात्रा हुई और जब वो वाराणसी पहुंची, सुनिए, वहां की महिलाओं और वहां के आदमी, वहां के लोग उनको देखने मिलने गए, आपने देखा कि चैनलों पर चला है कि एक लड़की अपने टी शर्ट पर नमो अगेन लिखा था
और प्रियंका गांधी के सामने उसको किस तरह से कांग्रेसियों ने पीट पीट करके उसको बाहर भीड़ से ले गए, ये सारे चैनलों में प्रकाशित हुआ कि नहीं प्रकाशित? सबने दिखाया। क्या इन्होंने उसका नमो नमो का केवल टी शर्ट पहनना इनके लिए अपराध था जो पीट करके उनके प्रियंका गांधी के सामने निकाल के बाहर किया? ये नारी का सम्मान है? बताइए जी। हमने तो उसको स्वीकार कर लिया है। बताइए अमित गुरु जी, हमारे पार्टी का भी अगर किसी ने, भाई अमित गुरु जी इस मामले में ना आप पीछे हैं ना वो पीछे हैं, वो भी आपसे मुकाबला करके आगे बढ़ रहे हैं, वो चाह रहे हैं कि महिलाओं को अपमानित करने के मामले में भी आपसे 100 कदम आगे रहे। बोलिए अमित गुरु। मनगढ़ंत नहीं है, नहीं इसे आप मनगढ़ंत मत बताइए, वो घटना हुई थी, वो घटना हुई थी, मनगढ़ंत मत बताइए, घटना हुई थी, स्वीकार करिए पहले। लेकिन महिला लड़की वहां गई और उसको जो विरोध था उसको बड़े संस्कारी ढंग से हटाने का प्रयास किया गया। वाह, वो संस्कारी तरीका था, गजब का संस्कार है कांग्रेसियों का। तब तो भाई साहब आप किसी देखिए एक बात हमारी याद तो पूरी, अगर वो तरीका संस्कारी था तो आपने तो पूरी संस्कार की परिभाषा बदल दी भाई साहब। उसको कार्यकर्ता दूर कर रहे हैं कि आप झगड़ा बवाल न करिए, उसको समझा बुझा के हटा रहे, जिसमें बुराई क्या है? इसमें कहां से हमने नारी अपमान की बात कर दी? हाँ, आप कहीं कुछ मुद्दों पे गलतियां हुई है, हम उसको स्वीकार करते हैं और करने के लिए तैयार रहेंगे। लेकिन एक छोटी सी कार्यकर्ताओं की नोकझोंक जो दो दलों के कार्यकर्ताओं के बीच का था, उसमें प्रियंका गांधी जी कहीं से नहीं आती है। एक छोटे से नोकझोंक से आप भारतीय जनता पार्टी के कैबिनेट मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, उनके विधायक, उनके सांसद के गंदे बोल को आप ढक देंगे। सर्वोच्च पद पर बैठा आदमी जर्सी गाय और कांग्रेसी विधवा बोल रहा हो, तो भाषाई गरिमा को लेकर भाई साहब क्यों नहीं बहस होती इस देश में? इस बात को लेकर हैरान हूँ। होनी चाहिए, इतना गिरेंगे हम लोग समझ में नहीं आता। जितेंद्र वर्मा जी समाज होनी चाहिए, शर्मनाक है ये। जितेंद्र वर्मा जी समाजवादी पार्टी से, इनकी पार्टी के तो मुखिया जी कहते हैं बलात्कारियों को कि लड़कों से गलतियां हो जाती हैं। मतलब पूरी राजनीतिक जमात ने एक अजीब नजरिया विकसित कर लिया इस देश की बहू बेटियों के प्रति, अजीब नजरिया। सुन लीजिए जितेंद्र जी, जब प्रधानमंत्री जी सपा बसपा कांग्रेस अध्यक्ष को 3 इडियट्स बोलते, इनके संस्कार नहीं दिखते, किसी महिला अध्यक्ष को विधवा बोलते संस्कार नहीं दिखते, गठबंधन को चोरों का, ठगों का, सांप बिच्छू का गठबंधन बोला जाता है, शराब से तुलना की जाती है, प्रधानमंत्री ऐसा देश में आजाद भारत के बाद चौराहे की स्तर की भाषा बोलने वाला आज तक भारत में नहीं हुआ। शराब से 156 लोग असम में मरे तब इन्हें नफरत नहीं हुई, उत्तराखंड में मरे, उत्तर प्रदेश में मरे, और कह रहे हैं शराब बुरी चीज है और इन्हीं की सरकारों में लोग जहरीली शराब पी पी के मर रहे हैं। महिला सम्मान की बात करने वाले लोग भाजपा के रैकेट, महिलाओं का रैकेट चलाते पकड़े गए हैं कई राज्यों में, ये महिला सम्मान की क्या बात करेंगे? आज बड़ी बड़ी बातें अभी बता रहे थे, सपा ने दुख व्यक्त किया है, जया की जी के लिए जिन शब्दों का उपयोग किया उन्होंने दुख व्यक्त किया है, नोटिस जारी किया है उनको, स्पष्टीकरण मांगा है उनसे और कहा है कि ऐसी भाषा बर्दाश्त नहीं होगी, उनको जवाब देना होगा, ये महिला सम्मान होता है। इन लोगों ने महिला सम्मान को मिटा के रख दिया है, किसी महिला को हलाला की पैदाइश या तमाम इतने विधवा जैसे वर्ड जो महिलाओं की आत्मा को कचोटेंगे, देश में शर्मसार होंगी महिलाएं, यही भाजपा की रीति नीति है। दरअसल ये लोग डर गए हैं, ये कमिटमेंट बीजेपी के महासचिव ने जो कह दिया है ना कि 50 सीटों का नुकसान उड़ीसा पश्चिम बंगाल से पूरा करेंगे, हार स्वीकार कर ली है इन लोगों ने यूपी में गठबंधन के आगे। ओपी सिंह जी कुछ कह रहे हैं, बौखला के गलत भाषा बोल, जवाब ले लीजिए ओपी सिंह जी। जी मैं ये कह रहा हूँ आशीष जी, ये बड़ी बड़ी बातें सपा के हमारे साथी कह रहे हैं, क्या देश इस बात को भूल चुका है कि ये वही समाजवादी पार्टी है जो जिनके साथ गठबंधन किया बहन मायावती के साथ, और इसी लखनऊ में समाजवादी पार्टी के विधायक और सांसदों ने मायावती जी का वस्त्र तार तार कर दिया, उनको जान से मारने की धमकी दिया, उन्होंने पूरे देश के सामने अपनी अस्मिता की भीख मांगी, उन्होंने मुलायम सिंह यादव और उनके सहयोगियों के खिलाफ मुकदमा कायम कराया, ये वो दिन भूल गए जब मायावती का वस्त्र फाड़ा था? इन्होंने क्या देश में नारी का सम्मान किया था? मैं बहन मायावती की इज्जत बचाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया, वरना ये लोग तो मार ही डालते, ये अपना इतिहास भूल गए।
ये भूल गए, उदाहरण भूल गया कि देश भूल गया। अच्छा, कि मतलब उन्होंने ये किया इसलिए उस मामले में आप इनसे दो चार आगे जाने की पहले कंडम किया है आसिद जी। मतलब मोदी आपके आसिद जी विधवा का आसिद जी करते हैं, पूछो इनसे। आसिद जी मैंने बैठते ही उसको कंडम किया, स्वीकार किया हूँ, मैंने पहले ही स्वीकार। लेकिन ये दूध के धूले नहीं है, ये अपने इतिहास को भूल गए, ये इनको इतिहास अपना याद नहीं है। मायावती के आउटकंड का बोलो ना, पूरा देश नहीं देखा। आप निंदा करते हैं किसी पार्टी, आप निंदा कर रहे हैं तो मैं भी निंदा कर रहा हूँ, मैं भी निंदा कर रहा हूँ। और अपने पार्टी के लोगों की निंदा कर रहा हूँ कि बहु बेटियों को अपमानित करके टीवी चैनलों पर बैठ के निंदा कर देंगे, बात खत्म हो गई। फिर कल को अपमानित करेंगे, फिर सवाल पूछेगा तो निंदा कर देंगे। हमने तो भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता बताओ कि अपने इन तीन नेताओं पर क्या कार्रवाई की उन लोगों ने, जवाब नहीं। ऐसा नहीं है आशीष जी कि वो नारियों का सम्मान नहीं करती, ये लोग सम्मान करते हैं। बहुत सम्मान, बहुत सम्मान, सम्मान दिख रहा है सर, सम्मान हम दिखा रहे हैं दर्शकों को। आप जो सम्मान करते हैं ना, पूरा हम दिखा रहे हैं दर्शकों को, इससे ज्यादा सम्मान क्या कर सकते हैं आप लोग। एक ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक का वक्त हो गया, छोटा सा ब्रेक जरूरी है। रोजाना जो हम और आप जलील हो रहे हैं ना, उसके खिलाफ आवाज उठाई जाए, ये ठीक बात नहीं है। जब देखो तब हमारी आपकी किसी की भी घर की बहू बेटियों के बारे में ये कुछ भी बोल जाए और हम और आप चुपचाप रहें। समर्थक मत बनिए, वोटर बनिए, पिछलग्गू मत बनिए, देश का नागरिक बनिए, जरूरी है वरना और अपमानित होंगे। छोटा सा ब्रेक, जल्दी लौटते हैं। ब्रेक से वापस आ रहे हैं और अब हम चलेंगे टीबी सिंह जी के पास, वरिष्ठ पत्रकार हैं टीबी सिंह जी। भाई प्रियंका गांधी का विरोध मुद्दा आधारित हो सकता है, राजनीतिक विरोध राजनीतिक तरीके से हो सकता है। भारतीय राजनीति में व्यक्तिवादी हमले बढ़े हैं और व्यक्तिवादी हमलों ने फुहारता की सारी हदें तोड़ दी हैं। और कितना नीचे गिरेंगे हम लोग? देखिए अशोक जी, ये व्यक्तिगत हमले जो हो रहे हैं जी, ये राजनीति को किस तरीके से किस तरफ ले जाएंगे कुछ कहा नहीं जा सकता है। क्योंकि देखिए, महिलाओं के प्रति जो सम्मान हर पार्टी को, हर पार्टी के लिए है, हर पार्टी जो सम्मान देती है, कहीं ना कहीं अगर मान लीजिए कोई महिला बन ग्लैमरस बन के आ गई या कोई महिला राजनीति में नई महिला आ गई, तो उसको लेकर के सभी राजनीतिक पार्टियों के पेट में दर्द तो होना स्वाभाविक है। प्रियंका गांधी का राजनीति कद बढ़ा हुआ है जब से आई है, यही अगर 6 महीने पहले आ गई होती तो आज ये पार्टी शायद चुनाव के इस माहौल में इतनी गहमागहमी से इनको इनका अपमान नहीं करती। और अपमान इनका नहीं हो रहा है, अपमान सिर्फ वोटर का हो रहा है। वोटर इतना समझदार हो चुका है कि वो सब सारी बातें देख रहा है कि कौन पार्टी किसको गाली दे रही है। और यही पार्टियां कहती हैं कि चुनाव में या राजनीति में अगर कोई पढ़ा लिखा कैंडिडेट आए है तो राजनीति कुछ सुधर जाए, लेकिन मुझे नहीं लग रहा। यही पढ़े लिखे कैंडिडेट, यही वेल एजुकेटेड कैंडिडेट आज महिलाओं के प्रति इतनी अवध टिप्पणियां कर रहे हैं। अमित, ये देश का दुर्भाग्य है जो महिला, हमारे देश में महिलाओं को सम्मान देना चाहिए, अब वहां गाली दी जा रही है, टिप्पणी की जा रही है। अमित गुरु जी, आप जी, हालांकि उनके नाम से तो आपकी पार्टी को चिढ़ है, लेकिन लोहिया जी कहते थे कि कहीं तो खूंटा गाड़ोगे, कितना नीचे गिरोगे। भारत की राजनीति भारतीय संस्कृति को कहां दफन करना चाहती है, कहां तक पहुंचाना चाहती है? आप लोग एकदम सामूहिक रूप से जवाब दे ही दीजिए, सारे नेता लोग मिलकर। देखिए, निश्चित तौर पे ये जो गिरावट हुआ है ये बड़ा ही शर्मनाक है और शर्मसार करने वाला है। राजनीति में एक नए बदलाव, नए पहल की जरूरत है। एक के बाद एक की जो घटनाएं हो रही है और इस पे विराम नहीं हो रहा है, दल के लोग इस पे मजबूती से कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, तो हमें तो लगता है कि एक ट्रेंड ये बनता जा रहा है। आप देखिए, जब से प्रियंका जी राजनीति में सक्रिय हुई, यूपी का दौरा शुरू की, नौजवानों, किसानों, छात्रों, महिलाओं से मिलना शुरू की, एक अजीब सा दहशत इन लोगों के राजनीतिक करियर को लेकर हो गया है कि हम कहीं यहाँ 2019 के मिशन में बहुत पीछे न हो जाएं और उसमें उल जुलूल बातें और इस तरह की के शब्द और अमर्यादित शब्द महिलाओं के प्रति। ये प्रियंका जी को टारगेट नहीं कर रहे हैं, प्रियंका जी के टारगेट करने के साथ साथ उत्तर प्रदेश और पूरे देश के उन तमाम महिलाओं, उन तमाम युवतियों को ये टारगेट कर रहे हैं, उनके मान और सम्मान पे ठेस पहुंचाने का काम कर रहे हैं। अब मैं आपको बताऊं, पूर्व की घटना से सीख लेके आगे बढ़ने की जरूरत है। कभी आपने राहुल गांधी जी या प्रियंका गांधी के मुंह से इस तरह के अशोभनीय शब्द नहीं सुने होंगे। अगर
कोई दल इस तरह का उसके नेता करते हैं तो उस पर कड़ा से कड़ा कार्रवाई हो। आपने दिग्विजय सिंह की बात की, मैं खुद निंदा करता हूं, ऐसी बात नहीं कही जानी चाहिए, लेकिन जब हम इससे बचते हुए नजर आएंगे तो हम महिला के सुरक्षा, उसके स्वाभिमान, उसके संस्कार, उसके इज्जत की रक्षा कैसे कर पाएंगे। हमें बदलना होगा और जो दल के नेता है, जो मुखिया है, उनको ऐसे लोगों पे कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए, वरना निश्चित तौर पे राजनीति का जो पतन हो रहा है, उसमें संस्कारों का जो पतन हो रहा है, एक तरफ जहां राजनीति में महिलाओं की भागीदारी कम है, ऐसे में महिलाओं का आना कितना संदेहास्पद हो जाएगा, आप समझिए। महिलाओं को बढ़ चढ़ के भाग लेना चाहिए, लेकिन इस तरह के बयान राजनीति में महिलाओं को आने के लिए प्रेरित तो नहीं करेगा, उनको हतोत्साहित जरूर करेगा। बोलिए जितेंद्र जी, कुछ कहना चाह रहे थे। जितेंद्र जी, देखिए लगातार जनाधार इनका गिरता जा रहा है, अब इतना बौखलाए हैं। जब लड़ाई एक कमजोर और एक शक्तिशाली के बीच होती है तो कमजोर जब शक्तिशाली को मार पीट तो पाता नहीं है तो वो गाली देता है, तो इनकी भाषाई स्तर इतना गिरता जा रहा है कि बेरोजगारी आप दूर नहीं कर पाए सर। अब आपसे प्रश्न हो रहा है सरकार में, है तमाम नेता प्रश्न पूछ रहे हैं, जनता भी सर प्रश्न पूछ रही है, जनता एक डिबेट के दौरान ये लोग पीट देते हैं। जब वो कहा कि सर आपकी योजना का इम्प्लीमेंट जमीन पे नहीं हुआ, उसका लाभ जनता को नहीं मिला, तो लोग उसको पीटना शुरू कर दिए। दलितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों, गरीबों के सवर्णों के गठबंधन को ये दलित, क्या नाम, दलितों का अपमान और पिछड़ों का अपमान है सर, कि आप होलिका में उनकी फोटो लग के आग लगवा दो भाजपा का ड्रेस पहन के। तो सर किस तरफ आप देश ले जा रहे हो, किस विचारधारा पे आप देश को ले जाना चाह रहे हो? आप भाषाई स्तर तो गिरा ही रहे हो, साथ में देखिए आज हाईकोर्ट ने इनको दे दिया ना मजा, 40-45 पे जारी कर दिया आदेश। आप 60-65 पे जबरन तुले हुए थे, दलितों पिछड़ों को उसमें निकाल देना चाहते थे, जितनी सर नौकरियां आई उसमें दलित पिछड़ों का हमेशा अन्याय उनके साथ हुआ, कहीं कहीं उनको बिल्कुल आरक्षण से बाहर करने के भी प्रयास हुए, लेकिन इसके लिए कोर्ट भी बैठी है और देश की जनता भी सर देख रही है। जब आप अपने लक्ष्य में सफल नहीं होंगे, जो वादे आप जनता के बीच करेंगे उनका इम्प्लीमेंटेशन नहीं कर पाएंगे और वो वादे केवल कोरे सर रह जाएंगे, तो जनता प्रश्न पूछेगी, पत्रकार भी सर प्रश्न पूछेंगे, है ना, जनता भी प्रश्न पूछेगी और नेता भी पूछेंगे। अब जब ये जान गए हैं कि गठबंधन 70+ सीटें जीतने जा रहा है तो गाली देना शुरू कर, चर्चा करने हम नहीं बैठे, वो चुनाव के बाद जनता को तय करने दीजिए, वो टीवी डिबेट में हम ना तय कर लें कौन कितनी सीटें जीतने जा रहा है। टीवी सिंह जी सर आपके पास आ रहे हैं, सर क्या पूरी राजनीतिक जमात ने एक ऐसा माहौल बना दिया है जिसमें फूहड़पन, गाली ग्लौज से ही राजनीतिक माहौल बन रहा है, जनता असली मुद्दों पर सोच ही नहीं पा रही, उसे सोचने ही नहीं दिया जा रहा है, एक मतलब नशे के तौर पे पब्लिक को ये गाली ग्लौज फूहड़पन थमा दिया गया है, वो उसी में उलझा पड़ा है। जी जी, देखिए विकास के मुद्दे को भटकाने का एक बहुत अच्छा तरीका है जो इस समय चुनाव चल रहा है, इसमें विकास की बात कम और एक दूसरे पर गालियों की पड़ियों की बौछार सी हो गई है। प्रियंका गांधी आई है राजनीति में, आई है अगर तो तीसरा विकल्प बन करके आई है, उनको राजनीति में प्रवेश करने का भी मुश्किल से महीना भी नहीं हुआ होगा, इतनी गालियां। और एक महिला को अगर गाली, जैसा कि अभी अमित भाई ने कहा कि एक महिला को गाली अगर कोई पार्टी दे रही, कोई व्यक्ति दे रहा है, तो पूरे महिला समुदाय को गाली पड़ रही है। महिलाओं को एक तरफ राजनीति में लाया जा रहा है और दूसरी तरफ महिलाओं को, उन्हीं महिलाओं को टिप्पणी करके, टिप्पणियों से नवाजा जा रहा है। महिलाएं आखिर राजनीति में क्यों आएंगी? ओपी सिंह जी, एक पार्टी नहीं कर रही, सारी पार्टियों के लिए मैं कर रहा हूं। ओपी सिंह जी, इस तरह के नेताओं पर, इस तरह के नेताओं पर कोई भी पार्टी हो, उनका नेतृत्व कार्रवाई क्यों नहीं कर पाता? इन्हें शाह कौन देता है, इतने मौके कौन देता है कि इतनी गंदी बातें बोलते हैं? मैं तो उन नेताओं से कह रहा हूं कि भाई आपके घर की बहू बेटियां हैं ना, जाइए हलाला के सीन फिल्मा लीजिए उन पर। क्या वो अपनी बहू बेटियों पर हलाला के सीन फिल्माना पसंद करेंगे? नहीं करेंगे, तो किसी दूसरे की बहू बेटी के लिए ऐसा क्यों सोचते हैं वो लोग? पार्टियां क्यों नहीं कार्रवाई करती इन लोगों पर? ओपी सिंह जी, जी जी, मैं ये कहना चाहता हूं कि देखिए योगी जी की जब उत्तर प्रदेश में सरकार बनी और इसके पहले के 5 वर्ष की जो सरकार थी उसमें महिलाओं के साथ, लड़कियों के साथ जो छेड़खानी की घटनाएं आम हुआ करती थी, सरेराह हुआ करती थी, उसके लिए, उस पर एक्शन लेने के लिए योगी जी ने शपथ लेने के साथ ही एंटी रोमियो टीम का गठन किया प्रत्येक जिले में। और वो इसीलिए किया
कि जो हमारी छात्राएं पढ़ने जाती हैं, जो हमारी बहनें बाजार में जाती हैं, उनके साथ पहले की तरह घटना न हो। बात आसिफ जी यहां चल रही है कि अब शब्दों का प्रयोग, मैं एक आपसे आपके माध्यम से मैं एक चीज मैं पूछना चाहता हूं साथियों से, क्या नरेंद्र मोदी जी भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री हैं या पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं? अगर पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं, इन्होंने कहा कि राहुल जी ने कुछ नहीं कहा, राहुल जी ने मंच से खुलेआम देश के प्रधानमंत्री को कहते हैं कि चौकीदार चोर है। इनकी नेता सोनिया गांधी सर्जिकल स्ट्राइक के बाद बोलती है कि मोदी सरकार ने सेना के खून की दलाली ले रहे हैं। क्या मोदी प्रधानमंत्री को चोर कहना, आप किसी राष्ट्र में किसी राष्ट्रपति या देश प्रमुख को इस तरह के शब्दों का प्रयोग करते अच्छा, हुए कोई उदाहरण है? ठीक है, अच्छा, बहुत बढ़िया पॉइंट उठाया। ओपी सिंह जी, उसे कोई जस्टिफाई नहीं कर रहा, बहुत बढ़िया पॉइंट उठाया आपने, लेकिन प्रधानमंत्री की भाषाई मर्यादा सुनिए। विपक्ष की सबसे बड़ी नेता को जर्सी गाय बोलते हैं, कांग्रेसी विधवा बोलते हैं, तब आपको दर्द क्यों नहीं होता है? ये प्रधानमंत्री की भाषा है? ऐसा लगता है कि सड़क पर टपोरी कोई बोल रहा है, चौराहे का टपोरी इस तरह से बोलता है ना? मैंने पहले ही कहा आसिफ जी कि हमारी पार्टी का हो चाहे दूसरे पार्टी का हो, यदि वो असंसदीय या मर्यादा के विरुद्ध कोई भी बोलता हो, किसी भी दल का हो, वो गलत है, उसकी निंदा होनी चाहिए। मैं इस बात को पहले ही कह चुका हूं। नहीं, मेरा सवाल दूसरा था, मेरा सवाल ये था, धुले हैं ओपी सिंह, और ये सारा दोष भारतीय जनता पार्टी का कोई नहीं है सर, किसी पार्टी में नहीं है, दूध का धुला किसी पार्टी में नहीं। मेरा सवाल दूसरा था, मेरा सवाल ये था कि इस तरह के नेताओं पर पार्टियां कार्रवाई क्यों नहीं करती, इन्हें सह क्यों देती है पार्टियां? ऐसा लग रहा है इन्हें खाद पानी ऑक्सीजन दिया जा रहा है कि तुम खूब बोलो, खूब गालियां दो, जाके सड़क पर महिलाओं को गालियां देना शुरू करो, इस तरह की हिम्मत क्यों दी? किस पार्टी ने अपने नेताओं के खिलाफ कार्रवाई किया है अब तक? अच्छा, इसीलिए आप लोग भी नहीं करते, समाजवादी पार्टी हो चाहे कांग्रेस की पार्टी हो, वो 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 क्या जो जो उन्होंने बराबर है, राष्ट्र का सम्मान, भारत की बहु बेटियों को अपमानित करने के मामले में आप सब लोग एक बराबर है, समान भाव से आप लोग अपमानित करते रहे हैं और देश चुपचाप अपमान झेलता रहा है, क्योंकि जैसे ही अपमान का जवाब देश मांगेगा आप पाकिस्तान ला देंगे, हिंदू मुसलमान ला देंगे, ये आरक्षण लेके कूद जाएंगे, वो कुछ और लेके कूद जाएंगे और फिर उलझा देंगे, लेकिन अपमानित करने के मामले में आप सब लोग समान भाव से, समरूप भाव से अपमानित करते हैं और आराम से करते हैं, और जब सवाल उठे तो इधर उधर की बात कर लेते हैं। बात आपकी समझ में आ गई क्या टीवी सिंह जी? यही है ना? नहीं, ऐसा नहीं है, लेकिन क्या कहा जाए, मर्यादा को तो बिल्कुल किनारे कर दिया गया है। मर्यादा को अगर इतना ही ख्याल होता तो मर्यादा को महिलाएं को गाली नहीं दी जाती। आसिफ जी, राजनीति जो है, राजनीति पता नहीं किस तरफ कहां जा रही है। मतलब हमें नहीं ये लगता है कि पढ़े लिखे लोगों की ये पार्टी है, सिर्फ महिलाओं को एक दूसरे को गाली दी जा रही। क्या क्या गाली दे करके या टिप्पणी करके आखिर समाज में क्या मैसेज देना चाहते हैं लोग? क्या जनता नहीं समझ रही है? जनता सब समझ रही है। अभी तो ये बात खाली है कि प्रियंका गांधी आई है, अभी चुनाव होने दीजिए, अभी तो जिलों में जाएंगी, दौरा करेंगे, जैसा कि दौरा कर रही, वहां भी देखिए किस तरीके से बात की। अमेठी की बात ले लीजिए, अमेठी में प्रियंका गांधी का दो दशकों से मैं देख रहा हूं, दो दशक तो दौरा वहां हो रहा है, लेकिन वहां इनको कोई आज तक गाली नहीं बकी। अब राजनीति में आ गई तो लोग इनको गाली बकना शुरू कर दिए। अरे भाई, किसी और तरीके से विकास के मुद्दे को लेकर के बहस कीजिए, अच्छा लगता है। उस पर तो कोई बहस ही नहीं हो रही, उस पर आपके पास अब आ रहे हैं, कोई बहस नहीं हो रही अमित गुरु जी, उस पर तो कोई बहस नहीं हो रही। चलिए ठीक है, दिक्कत यही है कि स्मृति ईरानी विगत पांच साल से चुनाव हारने के बावजूद भी अगर वो अपने क्षेत्र में सक्रिय है तो उनकी सक्रियता को देखते हुए विपक्ष जो है की पार्टी इतनी निष्क्रियता आखिर क्यों दिखा रही? 38 बार चुनाव हारने के बाद स्मृति ईरानी 38 बार लाल लश्कर के साथ केंद्रीय मंत्रियों को लेकर के विकास का कार्य कर रही हो, और राहुल गांधी जीतने के बाद भी आधा उसके 50% भी विजिट नहीं कर पाए, तो जनता विकास चाहती है, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे स्मृति ईरानी, चाहे ये आपके प्रियंका गांधी हो, जनता इस बार सब समझ चुकी है। इस बार जो है राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को भी जो है इस बार अपनी विरासत को बचाने में बहुत ही जो है मेहनत करनी पड़ेगा। जी जी,
मेहनत करनी विरासत विरासत को बचाने में देखिए इससे करनी पड़ेगी। इससे हमें आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है कि राहुल गांधी वहां से जीतते हैं या हारते हैं, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि सोनिया गांधी हारे जीते, मोदी जी हारे जीते, क्या फर्क पड़ता है एक संसदीय क्षेत्र से कौन हारता जीतता है। प्रधानमंत्री आम जनता को तय करना नहीं है, जीते हारे लोगों में से लोग किसी न किसी को तय कर ही लेते हैं, इसमें कौन हमसे आपसे पूछने आते हैं ये लोग। लेकिन मुद्दा ये है कि भारत की राजनीति हमारी लोकतांत्रिक विरासत है और राजनीति में आई महिलाएं हमारे आपके जैसे किसी घर की आई ही महिलाएं, इसी देश की बेटी है, इसी देश की बहू है। ये अधिकार हम किसी नेता को कैसे दे दें कि उसके बारे में कुछ का कुछ बोलता जाए, किसी पार्टी को यह अधिकार हम क्यों दे दें, हम इतनी फुहारता पर क्यों आए। अब आते हैं अमित गुरु जी, ठीक है बहुत सारी चर्चाएं इस पर हो गई, लेकिन साहब बचाने की भी कोशिश तो किसी ने नहीं की। पद पर बैठा व्यक्ति पद की गरिमा गिराता रहा, पद पर बैठा व्यक्ति पद की गरिमा गिराता रहा, और हम आम लोगों से उम्मीद की जाती है कि हम गरिमा का ख्याल रखें। अरे जो पद पर बैठा है वो फूहड़ है और हम और आप उसकी गरिमा बचाते रहे, ये कैसे संभव है? नहीं बिल्कुल संभव नहीं है, ये दोनों बातें विरोधाभासी हैं। आप अपने आचरण से, अपने बेहतर आचरण से ही ऐसी चीजों की उम्मीद कर सकते हैं। निश्चित तौर पे नैतिकता का जो मामला है, नैतिकता का की हार नहीं होनी चाहिए, चुनावी हार जीत अपनी जगह है। हम अपने शब्दों से किसी को परेशान करके हार और जीत को सुनिश्चित करना चाहें ये गलत बात है। नैतिक और नैतिकता और उसके आचरण और सम्मान की हार बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। और आज ये दौर चला है, देखिए पूर्व के तमाम दलों में इस तरह की बयान आए, लेकिन अब इन बयानों की, इतने गंदे बयानों की बाढ़ सी आ गई है भारतीय जनता पार्टी के अंदर। हर दल के लोगों को सोचना चाहिए और हम तभी किसी को संदेश दे सकते हैं जब हम खुद ही शुद्ध हों, जब हम ही वैसा आचरण करते हों। अगर हम खुद गलत बयान, संसद में गलत बयान हो जाता है, मनमोहन सिंह जी को कहा गया जो है आप रेन कोट पहन के नहाते हैं, मन से कहा गया मनमोहन सिंह जी देहाती औरत है, तो ऐसी चीजें प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी की नहीं हमारे भी हैं। मैं पहले तो इस बात का जवाब दे दूं अपने भाजपा के साथी को, वो पूरे देश के प्रधानमंत्री है और उनके आचरण, उनके शब्द, उनके व्यवहार, उनके भाषा का पूरे देश पे प्रभाव पड़ता है, उनके दल के नेताओं के ऊपर प्रभाव पड़ता है। हमें उम्मीद करनी चाहिए, कल की रैली में अभी जो शराब शब्द का उन्होंने इस्तेमाल किया उसमें अगर समाजवादी और आपने राष्ट्रीय लोकदल और बसपा का नाम लिया तो आपने सबको शराबी या शराब जैसा बना दिया, उसमें भी एक महिला को आपने शराब या शराबी जैसा बना दिया। तो ऐसे शब्द का इस्तेमाल हमें नहीं लगता कि प्रधानमंत्री जैसे। हाँ भाई गठबंधन आपका भी 40 दलों के साथ है, आप लड़िए ना, मुद्दे आधारित लड़ाई कीजिए। बिल्कुल बिल्कुल लड़ रहे हैं, मुद्दे पे लड़े। जितेंद्र वर्मा जी गांधी के उसको टारगेट करके जो हो रहा है वह एक संघर्षशील महिला है और ऐसी चीजों पे की लड़ाई लड़ने के लिए ही आई है, लड़ेंगी चाहे ये लोग जितना वार करें, हम लड़ाई लड़ेंगे और जीतेंगे और नैतिकता का जो आचरण है उसको पेश करने का, उसको अच्छा करने का, जितेंद्र वर्मा जी को बढ़ाने का पूरा प्रयास। ठीक है रुकिए, आप ये बताइए कि ऐसे फूहड़ नेताओं पर कार्रवाई करने से तमाम पार्टियां डरती क्यों है? क्या फूहड़ता को ही राजनीति का आधार बना लिया गया है और उन्हें खुली छूट है करो करो फूहड़ता? बिल्कुल सर, ऐसी भाषा किसी भी दल का नेता इस्तेमाल करे उस पर तत्काल कार्रवाई हो, उसको नोटिस जारी होना चाहिए और उसकी भाषा किस स्तर की है उसकी जांच करके उस पर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए कोई भी दल हो। लेकिन सर जब देश के माननीय प्रधानमंत्री जी समूचे विपक्ष को देशद्रोही कहते हैं, 31-32% देश में वोट पाने के बाद, यानी 68% जिन लोगों ने वोट नहीं दिया वो देशद्रोही हो गए सर। आप कहते हैं मोदी से वही परेशान जो देशद्रोही, मोदी से वही परेशान जो भ्रष्टाचारी, मोदी से वही परेशान जो चोर, तो देश में 68% चोर रहते हैं क्या सर? 68% लोगों ने आपको वोट नहीं दिया था देश में, तो आप 68% लोगों को चोर कह रहे हैं? दलित पिछड़ों को आप गाली दे रहे हैं शराबी कह के? यानी आप दलित पिछड़े अल्पसंख्यक के गठबंधन को गाली दे रहे हैं अगर आप शराब से उसकी तुलना कर रहे हैं? विपक्ष को बताइए, समूचे विपक्ष को आप जब 4.5 करोड़ रोजगार देश से गायब हो गए असित सर, एनएसएसओ ने डाटा जारी किया है सर असित जी कि वर्तमान में नया रोजगार तो 5 साल में आया नहीं, जो सर था उसमें से 4.5 करोड़ तो गलत नीतियों की वजह से चला गया,
तो सर कहीं ना कहीं जब काम आपके पास है नहीं, असफलताओं की आपकी सूची लंबी है, बेरोजगारी दूर आपने की नहीं, गरीबी आप दूर किए नहीं, किसान आत्महत्या आप रोक नहीं पाए, किसानों की आय दोगुनी सर कर नहीं पाए, 50,000 किसानों ने आत्महत्या किया, करीब 1200 शिक्षा मित्र मरे, उनका पुरुषाहाल नहीं, जब कोई काम नहीं तो सर गाली ही सही, यानी कोई काम आपसे पूछे तो आप उसे आतंकी कह दो, देशद्रोही कह दो, यानी मोदी का देश है सर, ठीक है, 130 करोड़ लोग सर, 80 सर देश है, मोदी देश नहीं है, मोदी विरोध राष्ट्र विरोध नहीं हो सकता, मोदी विरोध देश विरोध नहीं हो सकता, मोदी की गलत नीतियों की आलोचना 68% लोगों ने देश में की, उनको न वोट दे के, अब सर 20% भी वोट इन्हें नहीं मिलेगा। टीवी सिंह जी, बहुत अच्छी बात, आते हैं बारी बारी से आएंगे। टीवी सिंह जी, मेरा मूल सवाल ये था कि भाई राजनीतिक दल का शीर्ष नेतृत्व ऐसे नेताओं पर कार्रवाई क्यों नहीं करता, वो इन्हें क्यों और ताकत देता है, इसका जवाब किसी राजनीतिक दल से नहीं आया। जी देखिए, जो अभी बात चल रही है, गाली आप शब्दों का प्रयोग जो बहुत तरीके से किया जा रहा है, इस पर तो सभी पार्टियों को मिल करके एक कुछ कार्यक्रम बनाना चाहिए कि मतलब कोई भी पार्टी हो, किसी पार्टी का नेता हो, अगर कोई अपशब्द बोलता है या किसी गाली बकता है, इस पर रोक लगनी चाहिए, इस पर सरकार को ही चलना चाहिए, नेतृत्व को, जो इस पर नेतृत्व है उसी को लेना चाहिए कि हाँ अगर आप गाली बकेंगे तो आपके ऊपर कार्रवाई होगी। तो ये अगर कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो जाए इस पर असीम जी, तो मेरे ख्याल से सभी पार्टियों के लिए ज्यादा अच्छा रहेगा, और कोई भी पार्टी एक दूसरे पार्टी के कैंडिडेट को गाली नहीं देगी। क्या इस पर विचार करने योग्य है, क्या ये संभव है? ओपी सिंह जी, हम तो देख रहे हैं कि राजनीति इस कंपटीशन में है कि कौन कितना ज्यादा फुहड़ हो जाए, इस माहौल में जो टीबी सिंह जी सुझाव दे रहे हैं, ये संभव दिखता है? ओपी सिंह जी, जी जी मैंने बिल्कुल, मैं तेज बहादुर भाई साहब की बात से, टीबी सिंह की बात से सहमत हूं कि वो हर पार्टी में इस पर रोक लगनी चाहिए, इस पर कार्रवाई होनी चाहिए, इसके लिए नियम बनना चाहिए, इसके लिए कानून बनना चाहिए, अगर ऐसा होता है तो हम उसका स्वागत करते हैं, हमें कोई इससे गुरेज नहीं है कि चाहे वो हमारी पार्टी का व्यक्ति हो चाहे किसी पार्टी का व्यक्ति हो, मतलब मुझे इसमें कोई गुरेज नहीं है। लेकिन हमारे साथी जो कह रहे थे बात को खींच ले गए गरीबी दूर करने पर, मैं अपने साथी से पूछना चाहता हूं, इन्होंने अगर इनकी सरकार 5 साल थी, इन्होंने प्रदेश की गरीबी दूर की, हमारे अमित जी के कांग्रेस की पार्टी पूरे देश में 55 साल थी, 10 साल लगातार थी, लेकिन आप अपने चैनल के माध्यम से आप जांच करा लीजिए कि अमेठी और रायबरेली में नेहरू परिवार के लड़ने वाले लोगों ने अमेठी और रायबरेली की गरीबी नहीं दूर कर पाए। अगर गरीबी दूर किए होते तो 10 साल इनकी सरकार थी, 2 सीटों पर न सिमटते, और समाजवादी पार्टी की 5 साल सरकार थी, परिवार तक नहीं सिमटते, इन लोगों ने कोई जो है गरीबी दूर करने का प्रयास नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी 2019 के चुनाव में विकास का एजेंडा और राष्ट्रवाद का एजेंडा लेके आ रही है, लेकिन पूछिए इनका एजेंडा क्या है, ये गरीबी हटाओ की बात करते हैं। इनकी नेता इंदिरा गांधी 1978 में नारा दिया था गरीबी हटाओ, 50 साल सरकार थी, क्यों नहीं गरीबी हटाया? आज गरीबों को देश की आजादी के बाद बिना किसी जात, बिना किसी मजहब, बिना किसी धर्म, बिना किसी क्षेत्र का आप देख रहे हैं कि जो सरकार ने स्कीम लागू की, ये लोग लागू करते थे जात विशेष, मजहब विशेष के लिए, हमने जो लागू किया है वो चाहे आवास की सुविधा हो, चाहे वो शौचालय की सुविधा हो, चाहे मुफ्त गैस की सुविधा हो, चाहे वो बिजली की सुविधा हो, चाहे जनधन योजना में खाते की सुविधा, ये कर्म 1 लाख देंगे। 70 साल में गरीबों का खाता तो खुलवा नहीं पाए, देते कहां से? ये चर्चा नहीं कर रहे, ठीक है, आपने बातें रख दी तो अच्छी बात है, 5,000 दिया है गरीबों को, इस दिशा में ले गए थे, बस हम महिलाओं के सम्मान की पर चर्चा करने बैठे थे कि जो ये बदजुबान नेता इन पर कार्रवाई कोई क्यों नहीं कर पा रहा, और दुर्भाग्य से आप राजनीतिक दल, 3 राजनीतिक दल के प्रतिनिधि बैठे हैं, स्पष्ट तौर पर किसी के पास इसका जवाब नहीं है कि आप लोग कार्रवाई क्यों नहीं कर पाते, किसी के पास इसका जवाब नहीं है। आप लोग इतने ऊंचे ऊंचे आदर्शों की बात कर रहे हैं, लेकिन एक छोटे से सवाल का जवाब आप लोगों के पास नहीं है कि ऐसे फूहड़ नेताओं पर कार्रवाई की हिम्मत न इंदिरा में होती है न 56 इंची में होती है, तो क्यों?
जवाब नहीं आपके पास, ये सच्चाई है। क्योंकि इस अपमान के बदौलत, इन्हीं फुहर नेताओं के बदौलत आप वोट बैंक गढ़ने की कला सीख गए हैं। फुहरता से वोट बैंक पैदा कर रहे हैं आप, कैसे करेंगे कार्रवाई? फुहड़ों की जमात से वोट लेने की कला जो राजनीति सीख गई, वो फुहड़ों पर कार्रवाई करेगी, पार्टी कोई हो? नहीं है जवाब ना आप लोगों के पास, दिक्कत ये है। और जिस गरीब किसान की आप लोग चर्चा कर रहे हैं ना साहब, पड़ोस में पाकिस्तान, देश में गरीब और किसान न होते तो सारा का सारा चुनावी लूट बेचारे अकेले अयोध्या को ढोना पड़ता। ये तो अच्छा है कि पड़ोस में पाकिस्तान है, आप राजनेता लोग बड़ी चतुराई से कुछ चुनावी लूट पाकिस्तान के कंधे पर धकेल देते हैं, कुछ गरीबों के कंधे पर, कुछ किसानों के कंधे पर, सारा का सारा बोझ अकेले अयोध्या के कंधे पर नहीं जाता है क्या टीवी सिंह जी? यही सच है ना? जी जी, लेकिन इस पर जो गंभीरता से विचार अगर किया जाए असित जी, तो मुझे नहीं लगता है कि ये इस पर ये इसको दूर किया जा सकता है। लेकिन बस एक होना, दृढ़ संकल्प होना चाहिए कि हाँ सारे नेता मिलकर करें, किसी एक पार्टी का नेता मिलकर के अकेला नहीं कर सकता है, सबको मिलाएं, सारे नेताओं को बुलाएं कि भाई इस पर एक बहस हो जाए। कोई भी पार्टी का नेता किसी पार्टी के सदस्य को कोई गाली नहीं देगा, क्या ये संभव नहीं? संभव है, बशर्ते दृढ़ इच्छा होनी चाहिए, और मोदी जी के पास दृढ़ इच्छा है, हो सकता है कर भी दे। उन्हीं की पार्टी के नेता तो ये सब कर रहे हैं सर, पता नहीं। जी सर, हाँ बोले जितेंद्र जी, क्या कह रहे हैं? हमें 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 प्राउड है आप पर कि आप जैसे सच्चे पत्रकार अभी हैं और अच्छा काम कर रहे हैं, सच्चाई रख रहे हैं देश के सामने। कम हैं आप जैसे लोग, आप और रवीश जी जैसे लोग कम हैं। मैं बहुत फैक्ट बात कह रहा हूं और पीछे भी बात कहता हूं। अभी आपने विकास की बात की, गरीबी की बात की सर। 2012 में जो विकास दर 2.3 थी, 2017 में चुनाव आया 7.9 थी। चुनाव हारना जीतना अलग बात है। आप भी 14 साल लगातार बाहर रहे यूपी से, 10 साल केंद्र से सर बाहर रहे। हमने गरीबों के लिए सर काम किया, ठीक है हम हार गए, और से बहुत से कारण हो सकते हैं। इंटरनेशनल मैच आप लोग सबके लिए काम कीजिए, सुनिए जितेंद्र जी, गरीबों के लिए काम कीजिए, सुनिए ना जितेंद्र जी, आप लोगों को हम लोग कैसे चुनते हैं इसका अंदाजा है? पहले मतदान फिर जलपान, घंटों धूप में खड़े रहते हैं भारत के लोग, एक दिन की मेहनत मजदूरी, सुनिए, एक दिन की मेहनत मजदूरी छोड़ते हैं, घंटों धूप में बाहर भूखे प्यासे खड़े रह के आप में से किसी एक को हम लोग चुनते हैं, इसी काम के लिए चुनते हैं कि आप हमारी गरीबी दूर करें, आप हमारे अस्पतालों में डॉक्टर लाएं, हमारे स्कूलों में टीचर लाएं, हमारे लिए सड़कें बनवाएं, नहरें खुदवाएं। हम भूखे उस कतार में इसलिए नहीं खड़े होते भूखे प्यासे घंटों अपनी मजदूरी छोड़ के कि आप हमारे घर की बहू बेटियों को अपमानित करें, इसके लिए हम नहीं खड़े होते नहीं, हैं सर, बिल्कुल समर्थन नहीं कर सकते इस चीज का, कोई समर्थन न करे और सख्त कार्रवाई सर करनी चाहिए। मैंने पहले ही कहा, कोई भी दल हो अगर महिला के प्रति उसका अपशब्द आए उसको तत्काल पार्टी से बाहर कर देना चाहिए। ऐसा कोई भी व्यक्ति हो, कितना भी बड़ा व्यक्ति हो, ओपी सिंह जी इस पर कार्रवाई करनी चाहिए। ओपी सिंह जी, आज प्रियंका राजीव गांधी की बेटी हैं, हो सकता है कुछ राजनीतिक विरोधियों को बड़ा आनंद आ रहा हो जब उनको अपमानित किया जा रहा है, लेकिन कल की कोई मेनका, कल की कोई प्रियंका, सर एक कमेंट है, कल की कोई जूली, हमारे आपके घर नौकरी की, अरे इनको बस इनको रुकिए जितेंद्र जी, कौन लोग हैं जिनको नौकरी मिली है? ठीक है जी, पहले हमारे सपा के साथी को चुप कराइए तब मैं आपकी बात सुनूंगा। रुकिए ना जितेंद्र जी, रुकिए, चलिए मैं बस यही कहना चाह रहा हूँ कि देखिए कल की कोई लड़की, चाहे उसका कुछ भी नाम हो, हमारे आपके घर की भी हो सकती है। राजनीति की इस परंपरा को हमने आपने शह दिया, इसको हिम्मत दी, तो कल को हमारी आपकी बहू बेटियों के लिए भी राजनेता इसी तरह के शब्द बोलेंगे और कल को उनके पीछे खड़ी भीड़ तालियां बजाएगी। वो तालियां बजाने वाले लोग ये नहीं समझ पा रहे हैं कि कल को उनके घर की बहू बेटियों के बारे में भी राजनेता इसी तरह की बातें बोलेंगे। इसलिए जरूरी है कि हम और सब आप, हम सब मिलकर इस बुराई के खिलाफ आवाज उठाएं, अपनी अपनी पार्टी में आप लोग आवाज उठाइए, अपने अपने पेशे में हम लोग आवाज उठाएं। दर्शकों से गुजारिश है अपने अपने क्षेत्र में वो लोग ये आवाज उठाएं कि भैया राजनीति मुद्दा आधारित करो, किसी की बहू बेटियों को जलील करके राजनीति ना करो, मुद्दों पर विरोध करो, व्यक्तिगत विरोध ना करो। बहुत बहुत शुक्रिया ओपी सिंह जी, जितेंद्र वर्मा जी, अमित गुरु जी, टीवी सिंह जी, आप लोगों का इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसे लोगों का स्वागत मत कीजिए जो राजनीति में आने वाली महिलाओं को अपमानित करते हैं।
राजनीति में महिलाओं का आना जरूरी है। इंदिरा एक महिला थी, पाकिस्तान के दो टुकड़े किए थे। दुनिया में अब तक उतना बड़ा सैन्य समर्पण नहीं हुआ जितना बड़ा सैन्य समर्पण इंदिरा ने अपने सामने करवा लिया पाकिस्तान का। घुटने टेक दिए पाकिस्तानी सैनिकों ने। एक महिला थी वो। महिलाओं का सम्मान सीखिए। जरूरी नहीं कि वो इस पार्टी की हो, उस पार्टी की हो। हमारे आपके घर की बहू बेटियां हैं, किसी और के घर की बहू बेटियां हैं। ये जलील करने वाला तबका, बेआबरू करने वाला तबका, अगर इसे देख के आप तालियां पीटेंगे तो कल को ये आपके हमारे घर की बहू बेटियों को भी बेआबरू करेगा। इसका विरोध कीजिए। नमस्कार।